हमारे पास पार्ट फोर्थ है 3.2 का, तो हमारे पास क्या होगा, 0.2x प्लस 0.3y बराबर है 1.3। सबसे पहले हमें पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट के हटाने के लिए 2/10x प्लस 3/10y बराबर 13/10 हो जाएगा। हम इधर से एलसीएम लेते हैं, 10 आ जाता है, तो एलसीएम 10 है, तो ये ऊपर वाले बिल्कुल एज इट इज रह जाएंगे, क्योंकि नीचे वालों की गुना कर लो या एक जैसे हो तो सेम लिखो। फिर क्या होगा, 2x प्लस यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा, 3y बराबर 13, ये समीकरण हमारा एक आ गया। अब देखिए समीकरण दो क्या है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर है 2.3। तो हमारे यहाँ भी यही कार्य रहेगा कि पॉइंट को हटा लेंगे, पॉइंट को हटाने के लिए 5/10y बराबर 23/10 आ जाएगा। अब यहाँ लघुत्तम लेते हैं, तो ये 10 हमारा आ गया, ये 4x प्लस 5y बराबर 23/10, ये 10 से 10 कैंसिल आउट, तो ये क्या बचा, 4x प्लस 5y बराबर 23 हो गया, ये समीकरण दो हो गया। अब हमें क्या करना, समीकरण एक लेने पर, समीकरण एक लेने पर, मैं बार बार यही बता रहा हूँ, समीकरण एक और दो में से आप कोई भी ले सकते हो, तो आपके पास समीकरण एक इस प्रकार से है। अब इसमें क्या करें हम, कि 2x को एक साइड और 13 - 3y आ जाएगा, और x क्या हो जाएगा, 13 - 3y भाग 2, ये समीकरण 3 आ जाएगा। यहाँ पर आप y को भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब समीकरण जो हमारे पास 3 आया है, 3 को समीकरण 2 में रखने पर, 2 क्या है, हमारे पास समीकरण 2 है, 4x प्लस 5y, 4 x की जगह क्या आ जाएगा, 13 - 3y डिवाइड बाय 2 प्लस 5y बराबर 23 है, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब 2 की मल्टीप्लाई 13 के साथ 26 आ जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 6y आ जाएगा प्लस का 5y बराबर हमारे पास 23 है, ये y माइनस का बचा, और उधर लेके जाते हैं तो 26 को राइट साइड में, तो -26 हो जाएगा, माइनस का 3 और y भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वो 3 आ जाएगी, और y बराबर 3 को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या कहता है, x बराबर है 13 - 3×3/2, तो 13 - 3×3 9/2, 13 में से 9 घटाते हैं तो 4 - 4/2, इनको कट के हमारे पास 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू हमारे पास 3 है, कि √2x प्लस √3y बराबर 0 समीकरण 1 है, और इसी तरह से √3x माइनस √8y बराबर 0 है समीकरण 2 है। आपकी मर्जी है, किसी को भी ले लो, मैं समीकरण वही है, समीकरण 1 को x प्लस √3y बराबर 0 है, तो मैं यहाँ इसको राइट साइड लेके जाता हूँ, √2x बराबर हमारा माइनस √3y हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस √3/√2, और y आ जाएगा, समीकरण हमारा 3 मिल गया। तो अब समीकरण जो 3 को हम समीकरण 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर, 2 में रखते हैं तो क्या आ जाएगा, ये √3 और माइनस का √3/√2, और वाई लग जाएगा इसके साथ, -√8y बराबर 0 आ जाएगा। अब ये √3 की √3 से -3y/√2 माइनस का √8y बराबर 0। अब एलसीएम ले लेते हैं, ये √2 आ जाएगा, ये -3y, और यहाँ आ जाएगा √16y बराबर 0, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, -3y और ये माइनस का 4y, और ये डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में ले गए राइट साइड, 0 हो जाएगा,
ये आ गया माइनस सेवन वाई बराबर जीरो। वाई क्या हो जाएगा, जीरो बाई माइनस सेवन, ये जीरो आ जाता है, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, जीरो आ गई। यहाँ वाई की वैल्यू हमारे पास जीरो है, वाई बराबर जीरो को बस क्या होगा, एक्स बराबर अब माइनस रूट तीन बाटे रूट दो जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो हमारे पास वाई की वैल्यू जीरो और एक्स की भी वैल्यू जीरो, ये हमारा पार्ट है एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का, वो इस प्रकार है 3x बाई टू माइनस 5y बाई थ्री बराबर है माइनस टू। इसको मैंने पहले बताया कि जब भी आपके पास फ्रैक्शन वाले आते हैं उनको सॉल्व कर लिया करो, दो की तीन से मल्टीप्लाई छः, तीन की तीन से मल्टीप्लाई 9x आ जाएगा, दो की पाँच से मल्टीप्लाई माइनस 10y आ जाएगा, बराबर में माइनस का 2 है, ये डिवाइड में अपने पास 6 है तो इस साइड 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 12 आ जाएगा, 9x माइनस 10y माइनस 12, ये समीकरण हमारा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से समीकरण 2 है x बाई 3 प्लस y बाई 2 बराबर है 13/6। अब इसका जो एलसीएम लेते हैं 6 आ जाएगा, 2 की 3 से मल्टीप्लाई 6, 2 की x के साथ मल्टीप्लाई 2x और प्लस में 3 की मल्टीप्लाई y के साथ 3y बराबर में है 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये समीकरण 2 है। समीकरण हम क्या करें, अब समीकरण 2 के लेके चलते हैं, क्या है 2x प्लस 3y बराबर 13 है। अब हमें क्या करते हैं, y को ले लेते हैं एक साइड, y और x को दूसरी साइड ले जाते हैं, क्योंकि आप ये मत सोचेंगे कि पहला ही समीकरण लेना है दूसरा, आपके पास y क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 13 माइनस 2x भाग 3, ये समीकरण हमारे पास 3 मिला। समीकरण 3 को 1 में रखने पर, समीकरण जब रखते हैं तो समीकरण 1 क्या है 9x, अब हमें किसकी जगह रखना है, y की जगह क्या लिखेंगे 13 माइनस 2x भाग 3 बराबर में हमारे पास क्या है माइनस के 12। समीकरण 1 ऐसे कैसा लिखना है, केवल y की जगह ये समीकरण 3 की वैल्यू रखनी है, यानी कि 9x 10 की मल्टीप्लाई आप अंदर कीजिए कितना आ जाएगा, माइनस तो बाहर 130 माइनस 20x भाग क्या आ जाएगा हमारा 3 बराबर में माइनस 12। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 3 और 3 की 9 से मल्टीप्लाई 27x माइनस 130 और प्लस 20x बराबर है माइनस 12। अब 3 की 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 36 हो जाएगा और यहाँ 27x प्लस 20x कितना आ जाएगा 47x आ जाएगा और ये माइनस 36 आ जाएगा आपका और प्लस के 130 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 130 था उधर जाएगा तो प्लस का 130, ये 47x आ जाएगा और ये 94 बचेगा। अब x क्या आ जाएगा 94 डिवाइड बाई 47 जो कि कैंसिल होकर 2 पे आता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। x बराबर 2 को समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखते हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा y बराबर आ जाएगा 13 माइनस 2 गुणा 2 भाग 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 माइनस 4 भाग 3, ये आ जाएगा 13 में से 4 के 9 भाग 3, ये कैंसिल होके हमारा 3 आ जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी और x की हमारे पास वैल्यू कितनी आई है 2 आई है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।